उत्तर प्रदेश के हरदोई के शाहबाद में सीएचओ भर्ती में 27% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग उठने लगी है। यहां मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के सदस्यों ने सीएचओ भर्ती में 27% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग उठाई है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के विधानसभा अध्यक्ष राम प्रकाश राठौर के नेतृत्व में महासभा के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने, मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू कराने एवं ओबीसी के लिए संख्या अनुपात के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित करने, किसान विरोधी कानून को निरस्त कर वर्तमान उपज मूल्य बढ़ाकर 3 गुना करने, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने, शासकीय विभागों के निजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने सहित कई मांगों को भी उठाया है। ज्ञापन देने वालों में उमेश गुप्ता, डॉक्टर मनीष शर्मा, अजय यादव एडवोकेट, ज्ञान प्रकाश पाल एडवोकेट, राजकुमार रावत एडवोकेट, मनोज कुमार राजपूत मौजूद रहे। आपके संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, महामहिम राज्यपाल को संबोधित क्या मांगे हैं आप? हमारी पिछड़ा समाज की ये मांगे हैं कि हमारी जो अभी जो जनगणना होने वाली है तो उस जनगणना के अंतर्गत ओबीसी का एक कॉलम बनाया जाए और इस संपूर्ण भारतवर्ष में कितनी हमारी जनसंख्या है इस बात की भी जनगणना कराई जाए। हमारी एक मांग ये भी है कि जो 27% का आरक्षण है वो भी हमारा बढ़ाया जाए और उसके बाद में एक हमारी मांग साथ में ये भी है कि जो राज्यों की विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं उसमें भी हमारी जनगणना के आधार पर हमको उसमें प्रतिनिधित्व किया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।